हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी शाम का टाइम है और उसके पापा गए हैं घर पर। आद्य और आराध्या के पापा गए हैं घर पर, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। जो शाम का ड्यूटी है हम लोग का, आद्य को यहाँ चक्कर लगाने का, मतलब घुमाने का, तो आज वैसे मैं बोर हो रही हूँ, तो फिर मैं साइकिल लेके कभी पैदल पैदल ऐसे ही आद्य को घुमा रही हूँ। और आद्य को देखिए, वो मस्त अपना साइकिल होने से उसका हो गया, बहुत खुशी खुशी बैठती है। ओ मम्मा, गुड़ू गुड़ू उतरो उतरो उतरो, हो गया बस, उतर जाओ, टोपी नहीं निकालो, उतरो। और ये परेशान करके रख दिया है, अब तो घर घुसने लगा है। चलो टोपी पहनाओ उसको, बचपन से हम पाले हम। चलो 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 टिंग टिंग घूमने चलो। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि अकेले इसको संभालते संभालते ना मैं परेशान हो गई थी, साथ में थोड़ा सा मन भी ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाई थी। आज संडे है, तो आज संडे का ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ आलू का पराठा और साथ में अपने लिए चाय। तो मेरी बेटी का ये सवाल था, काट दो। हे फैमिली, वेलकम बैक। तो कल का वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि मन भी मेरा इतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था, और आज भी वैसे कुछ ठीक नहीं है क्योंकि आज भी मेरे एकदम से रिटर्न नहीं आए हैं, पर वहाँ उनको जाना जरूरी था क्योंकि बाबा को तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं ही जिद करके बोलूँगी आप जाओ पहले बाबा को, माँ को देख के आओ और साथ में जरूरत पड़े तो डॉक्टर दिखा के अच्छे से आना। तो सुबह का ब्रेकफास्ट मैं आज बनाई हूँ आलू पराठा, साथ में अपने लिए चाय। तो मेरी बेटी का सवाल था कि मम्मा आज सुबह सुबह आप क्यों इतना चाय पी रहे हो, क्योंकि मैं सुबह अक्सर चाय नहीं पीती हूँ, कभी कभार मन कर गया तो वही मन कर गया दिन, तो आज और इनको दिखाऊंगी कि देखिए आप नहीं रहते हो तो भी मैं चाय पीती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट में ये है, और आज बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि मेरा सिर जो है कल रात बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, मुझे सर्दी लगा हुआ है, आज लेट नहाऊंगी, अभी 10:30 बज चुका है। और आद्या को देखिए क्या काम, 11 बज गया। और देखिए आद्या क्या काम कर रही है, क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या है, क्या कर रहे हो, ये फूल, ये थोड़ी फूल है। मैं भी नहाने के बाद आ गई हूँ किचन में फिर से लंच की तैयारी करने, तो मैं दोनों के लिए देखिए दो एग बॉईल की हूँ यहाँ पर। और आद्य तो बेटा नंदिनी गुड़ा की क्या बुझा, एग की बेटा, एटा की एग, गरम गरम तता अच्छी तता। तो अभी वो जाएगी आद्य को आराध्या को बुलाने, जाओ तो नंदिनी को बुला के लेके आओ। कोई दे कोई दे, माम कुरबू आए डाकी दे, तब कहो माम कुरबू आए, की खाइबो की खाइबो, कोई किया है की, अरे कोई किया है की खाइबो, कोई बुझा नंदिनी कहो की खाइबो, कहो देखो एग, अच्छा एग, चलो सुचल चलो सुचल। की खाऊ छो बेटा, एग खाऊ छो, केमती लागु छी, यम्मी यम्मी लगे कई करे। अपना सारा सामान पहचानती है और मैं कंटेनर को धूप में दिखाई हूँ और लेके घर के अंदर रख दे रही है। हाँ नहीं रखना है, पहले दो बार लेके रख चुकी मैं, वापस लेके आई धूप में रखी इसको। क्या कर रहे हो बेटा, हाँ क्या कर रहे हो, वो अपना एग फ्राई कर रही है, बोली मम्मा मुझे अपना ऑमलेट बनाना है, वो बॉयल्ड एग नहीं खाएगी बोली, उसको बॉयल्ड एग पसंद नहीं है, तो वो अपने लिए देखिए यहाँ पर देसी बतख अंडा ऑमलेट बना रही है। ए रागो ही जी बोल उल्टे देवे, आज हम सभी साइड अप एग नहीं बना रहे, आज हम बना रहे स्क्रैम्बल एग, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ गला ना खराब ही, वो तो खराब करूँ चीज़ जानी मुझे, देसी एग का एक खूबी है कि उसका जो केसर है ना उसका कलर बहुत ही सुंदर होता है, एकदम ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, बस एक ही एग खा रही हो। मैं
खाती हूँ क्योंकि वो एक ही एक खाती है। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, आधी सो चुकी है, अभी हम लोग माँ बेटी खा लेंगे, पर वो टीवी रखते हुए खाएगी, मैं यहाँ डाइनिंग में बैठकर खाऊंगी फोन चलाते हुए। नहीं नहीं फोन चलाऊंगी नहीं, तुम्हारे पापा से बात कर। दबो 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 चिप्स कहीं चिप्स चिप्स खाऊंगी मैं, फोन चलाऊंगी मैं। दियो जब माँ सर्दी से पूरा लटपट हो और सिर में दर्द हो और नो 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 किटे नो बेटा ये खाई बोनी, कुछ खाना नहीं है बस फेंकना है इसको, बदमाशी करनी है। और देखिए मेरी बेटी मेरा कितना सेवा कर रही है, तुम नहीं तुम सेवा नहीं करती हो, करती वो है। ये लो माँ मेरे लिए चाय बना कर ले, आहा दे दो उसको, खाएगी नहीं बस फेंकेगी। और अपने लिए भी चाय लाई है, ऐसा नहीं कि हाँ सब उठे उठे नहीं जा। देखिए कितना बदमाशी है उसका, मुँह में लेके तुरंत मुँह से निकाल दी। नहीं ये जब भी घर जाते हैं ना मेरा तबीयत खराब हो जाती है, तो इस टाइम में बोलेंगे कि तुम जानबूझकर ये नौटंकी करती हो कि मैं जाने से तुम बीमार हो जाती हो, नहीं बोलते हैं ऐसा, पर मुझे लगता है इस बार बोलने वाले हैं क्योंकि मैं अभी भी उनको फोन करके दवाई के बारे में पूछ रही थी कि व्हाट इज दिस काजू कतली। नंदनी ना तोर पेन ने ए ढुकलाम बाबा यहाँ पर जो सब्जी वगैरह देख रहे हैं कुछ मेरे हस्बैंड मार्केट से खरीद के लेके आए हैं और कुछ ना बाबा घर से दे भेजे हैं, और ये जो स्पेशल चीज़ देख रहे हैं ना ये माँ मेरे लिए दे भेजी है। तो क्या है आप लोग को अगर समझ आ रहा है जरूर से कमेंट में बताइए, बाद में मैं दिखाऊंगी। मैं रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आ गए हैं मतलब तो डिमांड शुरू। तो मेरी बेटी बोली पापा आए हैं, उसी खुशी में आप बनाओ आज पूड़ी और पनीर की सब्जी, पनीर लेके आए हैं। तो अभी मैं बना अभी गर्मा गर्म पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए ठंडा नहीं करते हैं, खा लेते हैं झटपट। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में